अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सब खैरियत से होंगे और सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है और बहुत ही यूजफुल है। अगर आप अपने क्लाइंट की वेबसाइट के लिए कीवर्ड रिसर्च करना चाहते हो, कीवर्ड टारगेटिंग करना चाहते हो, या अगर आपकी अपनी वेबसाइट है और आप चाहते हो उस पर आप ज्यादा ट्रैफिक ला सको और ज्यादा कन्वर्जन हो सके, तो आज की वीडियो आपके लिए है। आपने वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। आज की वीडियो के तीन मेन पार्ट है। पार्ट वन के अंदर हम देखेंगे कीवर्ड्स क्या होते हैं और कीवर्ड्स की टाइप कितनी है। इसके अलावा पार्ट टू के अंदर हम देखेंगे हम कीवर्ड रिसर्च किस तरह से करेंगे और ज्यादा ट्रैफिक लाएंगे हम अपनी वेबसाइट के ऊपर। और पार्ट थ्री के अंदर हम देखेंगे हम कीवर्ड टारगेटिंग किस तरह से करेंगे। कीवर्ड के बारे में पता चल गया, कीवर्ड रिसर्च भी कर दी है, अब उन्हें किस तरह से हम एड ग्रुप लेवल पर लेकर जाएं कीवर्ड्स को और उनकी अरेंजमेंट करें ताकि वो टारगेटेड कस्टमर तक ही पहुंचे और हमारी वेबसाइट पर ज्यादा कन्वर्जन हो सके। आज की वीडियो बहुत यूजफुल है, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कोई भी यूजर, आप या मैं, गूगल पर कुछ भी सर्च करते हैं या किसी भी सर्च इंजन पर कुछ भी हम सर्च करते हैं, हम बेसिकली गूगल को कीवर्ड्स बता रहे होते हैं। लेट्स सपोज आप किसी कार सर्विस से रिलेटेड लिखते हो गूगल पर बेस्ट कार सर्विसेज। अब ये आपने गूगल को एक कीवर्ड बताया है और इससे रिलेटेड आपको गूगल डिफरेंट वेबसाइट दिखाएगा। अब डिफरेंट तरह के कीवर्ड्स होते हैं, कुछ होते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, कुछ होते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। अब देखें, अगर आपने जो गूगल को कुछ भी बताया कि मुझे इस चीज से रिलेटेड रिजल्ट चाहिए, अगर वो तीन वर्ड्स या तीन से कम वर्ड पर बेस करता है तो आप उन्हें शॉर्ट टेल कीवर्ड्स कहते हो, मतलब वो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स हैं। और अगर कोई कीवर्ड तीन से ज्यादा वर्ड पर बेस करता है तो उन्हें हम कहते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। अब मोस्टली क्या होता है, जो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होते हैं उन पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा आ रही होती है, क्योंकि जो भी यूजर होता है, मोस्टली आप खुद भी देखें, आप गूगल पर दो या तीन वर्ड्स के अंदर ही अपनी बात कंप्लीट कर देते हो। आप कोई ज्यादा लंबी लाइनें नहीं लिखते हो गूगल पे और आप अपना रिजल्ट हासिल कर लेते हो। इसीलिए शॉर्ट टेल कीवर्ड्स पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा आती है और बहुत ज्यादा इसके ऊपर कंपटीशन भी फिर होता है। मुख्तलिफ किस्म की बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट है जिनके ऊपर सेम सर्विसेज होती है जैसी आपकी ही वेबसाइट के ऊपर सर्विसेज हैं। तो जब कोई शॉर्ट टेल कीवर्ड्स लिखता है तो आपकी वेबसाइट के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है रैंक करना, क्योंकि ऑलरेडी एक इतनी अच्छी वेबसाइट अवेलेबल है जो उसी सर्विस से रिलेटेड बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रही होती है। इसलिए अगर स्टार्टिंग के अंदर आप अपनी वेबसाइट को रैंक कराना चाहते हो तो आप मोस्टली अगर लॉन्ग टेल कीवर्ड्स लिखते हो सकता है कि आपकी वेबसाइट पर इंप्रेशन आ जाए और आपकी वेबसाइट से रिलेटेड अवेयरनेस बढ़ जाए दूसरों के लिए। अब हमने देख लिया कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, कि यूजर ने कुछ भी गूगल पर लिखा तो वो जो भी बंदा लिख रहा है वो कीवर्ड है। अब कीवर्ड को रिसर्च किस तरह से करेंगे, कि अगर कोई बंदा गूगल पर कुछ ऐसी चीज लिख रहा है जो हमारी वेबसाइट की सर्विसेज से रिलेटेड है, लेट्स सपोज हमारी वेबसाइट है कार सर्विसेज से रिलेटेड, तो जो यूजर है वो गूगल पर कार सर्विसेज लिख रहा है, बेस्ट कार सर्विसेज, तो उसके सामने हमारी वेबसाइट किस तरह से शो होगी। उनके लिए हमें कीवर्ड रिसर्च करने पड़ेंगे कि कौन से कीवर्ड पर वॉल्यूम ज्यादा है, मंथली सर्चेज ज्यादा हैं और कितना उनके ऊपर कंपटीशन है, ये हमें सर्च करना पड़ेगा। तो अभी हम यही देखते हैं कि यूजर जो भी गूगल पर लिख के सर्च कर रहा है वो हमारी वेबसाइट या हमारे क्लाइंट की वेबसाइट से मैच कर रही है, तो यूजर को हमारी ही वेबसाइट का रिजल्ट आना चाहिए, ऑक्शन में हमारी ही वेबसाइट फर्स्ट पे आनी चाहिए उस बंदे के सामने। तो अभी हम क्या करेंगे, कीवर्ड रिसर्च करेंगे। अभी मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे बताती हूँ कि हम कीवर्ड को रिसर्च किस तरह से करेंगे। डिफरेंट वेबसाइट होती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी हमें कीवर्ड रिजल्ट बता देती है, अच्छे अच्छे कीवर्ड्स बता देती है। इसके अलावा कुछ पेड टूल्स होती है जो हमें जिन्हें हमें मंथली पेमेंट देनी पड़ती है अपने कीवर्ड को रिसर्च करने के लिए। अब डिफरेंट वेबसाइट है जैसे उबर सजेस्ट हो गया, keyword.io हो गया, आंसर द पब्लिक हो गया, कीवर्ड प्लानर हो गया, और भी डिफरेंट हैं जो हमें कीवर्ड रिसर्च करके देती है। हम गूगल पर जाएंगे और सबसे पहले लिख देंगे उबर सजेस्ट, ये हमारी पहली वेबसाइट है। उबर सजेस्ट लिखने के बाद हम इस फर्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब जब हमने इस पे क्लिक कर दिया तो आगे हमारे पास ये वेबसाइट ओपन हो गई है उबर सजेस्ट की। अब यहाँ पे हमने अपना कीवर्ड लिखना है, बेस्ट कार सर्विसेज हमारा लेट्स सपोज कीवर्ड है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। आगे आपने लैंग्वेज सेलेक्ट कर देनी है, सर्च कर देना है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जब हमने सर्च पे क्लिक कर दिया तो नीचे सारे रिजल्ट हम लोगों के पास यहाँ पे शो हो रहे हैं कि सर्च वॉल्यूम इसका इतना है, सर्च डिफ़िकल्टी इसकी कितनी है, पेड डिफ़िकल्टी कितनी है, कॉस्ट पर क्लिक कितना जा रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें उबर सजेस्ट दे रहा है। अब आप जब नीचे चले जाएंगे तो नीचे आपको मजीद इससे रिलेटेड आइडियाज़ दे रहे हैं कि आपका जो कीवर्ड है उससे रिलेटेड और लोग किस तरह से सर्च कर रहे हैं इस कीवर्ड को, नियर बाय कार, ये सारी नीचे इसी से रिलेटेड सारे आइडियाज़ दिए हुए हैं। अभी हम दूसरी वेबसाइट देखते हैं आंसर द पब्लिक। जब हमने आंसर द पब्लिक लिखा गूगल पे तो देखिए हमारे पास ये फर्स्ट साइट आ जाती है, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। हमने इस पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। अब यहाँ पर हमने अपना कीवर्ड लिखना है, बेस्ट कार सर्विसेज लेट्स सपोज हमने यहाँ पर लिखा और अब हम इसे सर्च कर देते हैं।
अब देखें सर्च करने के बाद ये हमें डिफरेंट आइडियाज़ दे देंगे कि किस तरह से लोग इस कीवर्ड से रिलेटेड सर्च करते हैं। अब हमारी नेक्स्ट वेबसाइट है keyword.io। अब हमने keyword.io लिख दिया। अब देखें यहाँ पे भी हमने अपना कीवर्ड लिखना है, अपनी लोकेशन हमने लिख देनी और यहाँ पे सर्च कर देना है। अब जब हमने सर्च पे क्लिक कर दिया तो देखिए अब ये कह रहे हैं कि आपको यहाँ पे पहले फॉर्म फिल करना पड़ेगा और आपको पहले यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा, तो आपने यहाँ से साइन अप कर देना है और इसके बाद आप अपने आइडियाज जनरेट कर सकते हैं अपने कीवर्ड से रिलेटेड। ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, आपको बहुत अच्छे कीवर्ड्स ये यहाँ से दे देगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं गूगल के ऊपर, ads.google.com लिख देते हैं। कीवर्ड प्लानर से हम किस तरह से कीवर्ड लेंगे वो हम देखते हैं। यहाँ पे टूल्स एंड सेटिंग में जाके हमने कीवर्ड प्लानर पे क्लिक कर देना है। अब कीवर्ड प्लानर पे जब हमने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे हम अपना कीवर्ड लिखेंगे। अब जब हमने यहाँ पे अपना कीवर्ड लिख दिया तो उससे रिलेटेड देखिए नीचे सारे आइडियाज़ हमें दिए हुए हैं कि आपके कीवर्ड कितना कंपटीशन है, कितना सर्च वॉल्यूम है। ये बहुत यूजफुल है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट। अब ये था कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड। अब हम जानना चाहते हैं कि जो हमारी वेबसाइट के अंदर कीवर्ड्स हैं उन्हें इस तरीके से हम अरेंज करें कि जब भी कोई यूजर आप या मैं गूगल पर सर्विसेज से रिलेटेड लिखें जो वेबसाइट की सर्विसेज से रिलेटेड है, तो हमारे सामने क्लाइंट ही की वेबसाइट आनी चाहिए टॉप पर, उससे रिलेटेड हमें कीवर्ड टारगेटिंग करनी पड़ेगी तो हमारी वेबसाइट उसके सामने अपीयर होगी, एक्स्ट्रावर्ट के लिए अपीयर नहीं होगी। अब क्यों नहीं अपीयर होगी एक्स्ट्रावर्ट के लिए, देखें हम अपनी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए बजट कुछ रखते हैं, तो अगर कोई भी यूजर कुछ भी लिख रहा है गूगल पर और हमारी वेबसाइट उसके सामने शो हो रही है और वो बंदा परचेज नहीं करेगा क्योंकि उसकी सर्विसेज से रिलेटेड वो नहीं है, तो हमारी वेबसाइट पर वैसे ही क्लिक्स आएंगे और ऑडियंस भी हमारी काम की नहीं होगी, टारगेटेड कस्टमर भी नहीं होंगे हमारे, तो हमें ही लॉस होगा, हमारा ही बजट में हमें ही लॉस होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हम ऐसे कीवर्ड अपनी वेबसाइट के अंदर यूज करें जो एग्जैक्ट टारगेटेड कस्टमर को हमारी वेबसाइट पर लेकर आए और वो टारगेटेड कस्टमर हमारी वेबसाइट पर परचेज करें। इसलिए अभी हम कीवर्ड को टारगेट करेंगे जो अभी हमने कीवर्ड रिसर्च किए हैं। अब कीवर्ड टारगेटिंग की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, कुछ होते हैं ब्रॉड मैच कीवर्ड, ब्रॉड मैच मॉडिफायर, एग्जैक्ट मैच, फ्रेज मैच, नेगेटिव मैच, इन सबको वन बाय वन मैं आपको अभी बताती हूँ ये कौन से होते हैं। अब जो ब्रॉड मैच ऑडियंस होती है उन्हें हम किस तरह से टारगेट करेंगे, देखें कोई भी यूजर है, कोई भी क्लाइंट है, उसने अपना न्यू ऑनलाइन स्टोर ओपन किया है और वो चाहता है कि उसके स्टोर की अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा हो। कोई भी कीवर्ड आपने अपनी वेबसाइट के अंदर जो यूज किया हुआ है, यूजर के कीवर्ड के अंदर उसका किसी भी किस्म की कोई भी वेरिएशन पाई जाती है तो उस बंदे को आपकी वेबसाइट का इंप्रेशन हो जाएगा और उसके सामने हो सकता है कि आपकी वेबसाइट अपीयर हो जाए, लेकिन इसका इतना फायदा नहीं होता क्योंकि आपकी वेबसाइट है बाइक सर्विसेज से रिलेटेड और जो बंदा गूगल को बता रहा है वो कह रहा है कि सेल है बाइक सर्विसेज के ऊपर, तो तभी हम वहां से परचेज करेंगे। जब वो आपकी वेबसाइट पर वहां से आएगा तो आपकी वेबसाइट के ऊपर तो सेल नहीं है बाइक्स की, इसलिए वो परचेज नहीं करेगा और आपका जो बजट था कैंपेन का वो आपका जाया हो जाएगा। इसलिए ब्रॉड मैच ज्यादा जस्ट इसलिए यूज किया जाए कि अवेयरनेस बढ़ानी हो या इंप्रेशन ज्यादा बढ़ाने हो, तो ब्रॉड मैच इसलिए यूज किया जाता है। अब एग्जैक्ट मैच कौन से कीवर्ड होते हैं कि जो आपकी वेबसाइट के ऊपर एग्जैक्ट कीवर्ड लिखा हुआ है बाइक सर्विसेज और जो यूजर गूगल को बता रहा है वो लिख रहा है बाईसाइकिल सर्विसेज या बाइक सर्विसेज, तो उसके सामने आपकी वेबसाइट अपीयर होगी। क्यों अपीयर होगी? क्योंकि जो एग्जैक्ट कीवर्ड आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ था और उसे आपने बताया हुआ था कि ये एग्जैक्ट मैच है, यूजर भी वही वाला कीवर्ड गूगल को बता रहा है, तो हो सकता है कि आपकी वेबसाइट उसके सामने अपीयर हो। फ्रेज मैच क्या होते हैं कि अगर आपने वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है फ्रेज मैच, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपने वो लिखा हुआ है, तो जब यूजर गूगल को बताएगा बाईसाइकिल सर्विसेज ही और बिफोर एंड आफ्टर भी उसने कुछ वर्ड्स यूज किए होंगे, फिर भी उसे आपकी वेबसाइट शो होगी। क्यों शो होगी? क्योंकि आपने फ्रेज मैच लिखा हुआ था अपनी वेबसाइट के ऊपर। अभी हम गूगल के अंदर पहले अपनी एक न्यू कैंपेन बनाएंगे और उसके बाद एड ग्रुप लेवल के अंदर जाके हम कीवर्ड की रिसर्च करेंगे, कीवर्ड टारगेटिंग करेंगे। अब देखें मैंने न्यू कैंपेन पे क्लिक कर दिया, गूगल में जाके अपनी एड अकाउंट के अंदर जाके मैंने न्यू कैंपेन पे क्लिक कर दिया है। अब यहाँ से ये बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स मैं कंप्लीट करके एड ग्रुप लेवल के अंदर आती हूँ और आपको दिखाती हूँ हम वहाँ पे कीवर्ड किस तरह से टारगेट। अब अगर हम अपना वर्ड एग्जैक्ट मैच रखना चाहते हैं कि यूजर ने जो गूगल पर लिखा है अगर वही वाला वर्ड हमारी वेबसाइट के अंदर सेम ऑर्डर के अंदर पड़ा हुआ है, बेस्ट कार सर्विसेज गूगल पे यूजर ने भी लिखा है, हमारी वेबसाइट के अंदर भी सेम ऑर्डर पे बेस्ट कार सर्विसेज ही लिखा हुआ है, तो उस यूजर को वो हमारी वेबसाइट नजर आए। एग्जैक्ट मैच के लिए हमें अपने कीवर्ड के साथ ब्रैकेट्स डालनी पड़ती हैं जो आइडेंटिफाई करता है कि ये एग्जैक्ट मैच है। अगर हम चाहते हैं कि फ्रेश मैच हो, अगर यूजर हमारी सर्विसेज से रिलेटेड गूगल पर लिख रहा है लेकिन उस वर्ड से
उस वर्ड के साथ एक्स्ट्रा वर्ड्स भी लिख रहा है, लेकिन फिर भी उसे हमारी वेबसाइट अपीयर होगी क्योंकि उसने फ्रेज मैच वही यूज़ किया है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी ब्रांड की जस्ट अवेयरनेस हो तो हम वहाँ पे ब्रॉड मैच यूज़ कर सकते हैं। कोई भी क्लोज वेरिएशन हो हमारे कीवर्ड के साथ और उस बंदे को हमारी वेबसाइट दिखे तो हम वहाँ पे ब्रॉड मैच मॉडिफायर कीवर्ड यूज़ कर देंगे, प्लस साइन लगा के हम ब्रॉड मैच मॉडिफायर यूज़ कर देंगे। और अगर हम चाहते हैं कोई ऐसे वर्ड हैं जिस पर हमारी वेबसाइट अपीयर नहीं हो तो हम उन कीवर्ड से पहले हम माइनस साइन लगा देंगे कि अगर यूज़र ये वर्ड लिख रहा है तो उसके सामने हमारी वेबसाइट अपीयर नहीं होनी चाहिए। ये सारा था कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड, कीवर्ड टारगेटिंग से रिलेटेड। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी और आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।